इलेक्शन वॉर रूम में दिव्या हैं। दिव्या, पूरी 25 की 25 बराबर कर दीजिए आप। बिल्कुल, हम देखिए 25 सीटें हैं रुहेलखंड में और 25 में से 20 सीटों के बारे में हमने बता दी। 16-4 यहां पर समाजवादी पार्टी को 4 सीटें जा रही हैं, 16 सीटें बीजेपी के खाते में जाने की संभावना है, लेकिन अगली 5 सीटें कौन सी हैं? ओपिनियन पोल उसके लिए क्या कुछ कह रहा है तो वो भी ग्राफिक्स के जरिए जानकारी देते हैं कि ओपिनियन पोल के मुताबिक कौन सी पार्टी कहां से लीड कर रही है, किसके जीतने की संभावना ज्यादा बन रही है। ओपिनियन पोल हमारा ये अब तक का सबसे बड़ा और सबसे विश्वसनीय, सबसे भरोसेमंद इसलिए है क्योंकि बड़ा सैंपल साइज है। और अगली 5 सीटें कौन सी है तो वो भी अपने दर्शकों को हम जानकारी दे देते हैं। 5 सीटें बता रहे हैं अगली। जलालाबाद की अगर हम बात करें तो ओपिनियन पोल के मुताबिक समाजवादी पार्टी की साइकिल तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ती हुई, यहां पर थम्सअप मिल रहा है समाजवादी पार्टी को, जीतने की संभावना बन रही है। तिलहर की अगर हम बात करें तो तिलहर में ओपिनियन पोल के मुताबिक यहां पर बीजेपी की जीत की संभावना ज्यादा बन रही है, कमल खिलता हुआ इस सीट पर नजर आ रहा है। और हालांकि रोशनलाल वर्मा जो है मजबूत कैंडिडेट यहां से बताए जा रहे हैं। पुवायक की अगर हम बात करें तो ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी की जीत यहां से भी सुनिश्चित मानी जा रही है, जीत की संभावना बन रही है, कमल खिलता हुआ इस सीट पर नजर आ रहा है। बाकी बची हुई 5 सीटों के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि लोगों की राय क्या है और किस सीट पर वो किस पार्टी को देखना चाहते हैं। शाहजहांपुर की अगर हम बात करें तो यहाँ ओपिनियन पोल के मुताबिक शाहजहांपुर में बीजेपी की जीत होने की संभावना ज्यादा बन रही है। और हमने आपको बताया था कि तिलहर की अगर हम बात करें तो यहाँ रोशन लाल वर्मा जो है वो भी कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। ददरौल की अगर हम बात करें तो ओपिनियन पोल के मुताबिक यहाँ पर भी बीजेपी के ही जीतने की संभावना बन रही है। ये है ओपिनियन पोल, ये है जनता की राय। और चलिए आप जल्दी से हम बता देते हैं रुहेलखंड का सीट शेयर और वोट शेयर क्या है तो वो भी आपको हम जानकारी देते हैं किस तरीके से हम आपको समझाते हैं पूरा ग्राफिक्स के जरिए। ये देखिए सीट शेयर हम बताएंगे, पहले वोट शेयर आपको बताते हैं। तो वोट शेयर के मुताबिक आप देख रहे हैं 25 सीटें हैं रुहेलखंड में और बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज है 51%, 51% वोट बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को, समाजवादी पार्टी प्लस यानी कि 36% समाजवादी पार्टी को। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो नीचे की तरफ ग्राफ देख रहे हैं आप, 3.8% यहाँ कांग्रेस को जाता हुआ नजर आ रहा है। बीएसपी के खाते में 7% वोट और अदर्स के खाते में 2.2% यहाँ पर है। ये हमने आपको बताया रुहेलखंड की सीट के बारे में, 25 सीटें कुल मिलाकर है और वोट परसेंटेज भी हमने आपको बता दिया। अगर हम सीट शेयर की बात करें तो ये देखिए सीट शेयर क्या कुछ है, कितनी सीटें किस पार्टी को मिल सकती हैं तो वो भी देखिए 25 सीटें और ओवरऑल हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्लस की अगर हम बात करें, बीजेपी गठबंधन की बात करें तो 19 से 21 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं, यानी कि सबसे आगे बीजेपी यहां रह सकती है ऐसी संभावना बन रही है। समाजवादी पार्टी प्लस यानी कि समाजवादी पार्टी गठबंधन 3 से 7 सीटें यहां जा सकती हैं। कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पा रहा है, शून्य नजर आ रहा है। बीएसपी भी यहां से कोई सीट लेते हुए नजर नहीं आ रही है, जबकि अन्य के खाते में भी 0-0 आप देख रहे हैं, शून्य, यानी कि यहां पर अन्य के खाते में भी एक भी सीट अभी तक नहीं जा रही है।